आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीते समय राजधानी देहरादून में गुलदार का दहशत देखने को मिला, जिसे पकड़ने में उत्तराखंड वन विभाग अभी तक कामयाब नहीं हो सका। वहीं गुलदार के पकड़ में न आने के कारण गुलदार बहुमूल्य क्षेत्रों में अभी भी दहशत की स्थिति बनी हुई है। इस बात को लेकर डीएफओ मसूरी वैभव सिंह ने कहा कि मानव वन्य जीव संरक्षण की घटनाओं के होने के बाद से हमारा 24 लोगों का दल निरंतर गुलदार को पकड़ने के लिए प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व क्षेत्र में कैमरे और पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी गुलदार की कोई हरकत देखने नहीं गई है। यहां तक कि संभव हो सकता है कि झाड़ियों के काटे जाने से और पटाखों के छोड़े जाने से गुलदार वन क्षेत्र की तरफ चला गया हो। देखिए, जो विगत माह जो घटनाएं हुई थी मानव वन्य जीव संघर्ष की, उसके बाद से ही जो हमारी टीम है 24 लोगों का दल, वो निरंतर इस चीज में प्रयासरत है। पूरे क्षेत्र में कैमरे लगाए गए, पिंजरे लगाए गए, परंतु ये देखा जा रहा है कि गुलदार का मूवमेंट किसी भी कैमरे और किसी भी स्थान पर नहीं देखा गया। तो संभवतः जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो गुलदार के संघर्ष की रोकथाम हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो झाड़ियों को कई जगह कटवाया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, कई जगह पटाखे वगैरह जो छोड़े गए हैं, तो संभवतः उस जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से गुलदार का मूवमेंट जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वन क्षेत्र की ओर हो चुका है। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहोगे इजाजत, नमस्कार।